नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट और आज हम आपके लिए एक बोध कथा लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सफलता का रहस्य और इसके रचयिता हैं इंद्रजीत कौशिक। किसी स्थान पर एक पहुंचे हुए योग्य पुरुष निवास करते थे। उनके यहाँ शिक्षा पाना का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी क्योंकि वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके आश्रम में अभी पिछले दिनों एक नया शिष्य आया था जिसका नाम चिंतामणि था। उसे गुरुजी का व्यवहार कुछ अजीब लगता था क्योंकि किसी अप्रिय समाचार के मिलने पर चिंतित होने की बजाय वह शांत चित होकर सिर्फ मुस्कुराते रहते थे। इसी दौरान उसके सामने एक अजीब घटना घटी। एक दिन आश्रम के सेवकों ने आकर बताया कि राज्य के सम्राट महाराज दिव्यसेन गुरुजी के दर्शन करने के लिए आश्रम पहुंच रहे हैं। महाराज अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आए थे। उन्होंने गुरुजी की भूरी भूरी प्रशंसा की और राज्य की तरफ से उपहार देकर उन्हें सम्मानित भी किया। नए शिष्य चिंतामणि ने देखा कि अपने सम्मान और प्रशंसा को सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए और उनके चेहरे पर हर्ष के स्थान पर उदासी छा गई। आखिरकार चिंतामणि से रहा नहीं गया और उसने महाराज के जाते ही गुरुजी से इस बारे में सवाल पूछा। आमतौर पर हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा और सम्मान पाकर प्रसन्न होता है, जबकि आप महाराज की प्रशंसा और सम्मान पाकर दुखी और चिंतित हो गए। और कल जब आपने बड़े नुकसान की खबर सुनी तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर इस बात का रहस्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी ने उसे अपने पास बैठा लिया और बोले, देखो वत्स, इस बात का मर्म यह है कि किसी भी नुकसान अथवा विषम परिस्थिति का सामना मनुष्य को हंसते हंसते सहज भाव से करना चाहिए। ठीक इसके विपरीत, यदि कोई इंसान प्रशंसा अथवा सम्मान पाता है तो उसे उसी पल सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर व्यक्ति के भीतर यहीं से अहंकार का जन्म होता है। यही अहंकार उसकी उन्नति में बाधक बन जाता है। शिष्य को अपने व्यवहार का रहस्य बताने के बाद गुरुजी फिर से ध्यान मग्न हो गए। गुरुजी ने जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए सफलता का रहस्य बताया तो चिंतामणि एवं दूसरे शिष्य की उलझन दूर हो गई।